8 महीने की तैयारी, रेकी, अचूक शूटर, चुनाव के बीच साजिश और एक झटके में सिद्धू मूसेवाला का कत्ल। जी हां, कुछ इस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड को अंजाम देने के लिए प्लानिंग की गई और सही वक्त मिलते ही हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, तो आज बात लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह कैसे बन गया, सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है। लॉरेंस बिश्नोई छात्र राजनीति के जरिए जराइम की काली दुनिया में आया और यहां पर उसने अपना साम्राज्य बना लिया। लगभग 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मालिक लॉरेंस बिश्नोई 60 लाख से ज्यादा रुपयों के हथियार रखता है। उसके ऊपर लगभग 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई छात्र नेता बनना चाहता था, लेकिन चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में हुई हार ने उसे अपराधी बना दिया। आज उसकी गिनती देश के बड़े गैंगस्टरों में होती है। गैंगस्टरों से गठजोड़ करने के बाद अपनी ताकत बढ़ा चुका लॉरेंस अब अंतर्राष्ट्रीय डॉन बनने की दिशा में बढ़ चला है। तिहाड़ जेल के पिंजरे में कैद लॉरेंस बिश्नोई पर मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का इल्जाम है, जिसके बाद उससे पूछताछ जारी है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि पिछले 7 साल से जेल के सलाखों के पीछे कैद लॉरेंस अपना साम्राज्य इतना बड़ा कैसे करता गया। कैसे लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ विदेशों में भी अपना रुतबा बरकरार रखता गया। तो इसका सीधा सा बस इतना सा जवाब है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप में लगभग 700 गैंगस्टर काम करते हैं। फिलहाल इस गैंग का पूरा काम कनाडा में बैठा गोल्डी बरार देखता है, जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सबसे पहले फेसबुक पर पोस्ट कर हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। पंजाब के फाजिलका से ताल्लुक रखने वाले लॉरेंस बिश्नोई के पिता पुलिस में थे। बिश्नोई की शुरुआती पढ़ाई फाजिलका में ही हुई। इसके बाद उसका एडमिशन चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित डीएवी कॉलेज में कराया गया। यही उसके मन में डॉन बनने की चाहत पैदा हुई। फिर कॉलेज की राजनीति में जब लॉरेंस बिश्नोई उतरा तो उसे हार मिली और इस हार का बदला लेने के लिए लॉरेंस ने पंजाब के सबसे बड़े गैंग से पंगा ले लिया। इसी बीच बिश्नोई के खिलाफ पहली FIR हत्या के प्रयास में दर्ज हुई। कुछ ही दिन बाद अप्रैल 2010 में एक घर में घुसने को लेकर दूसरी FIR दर्ज हुई। बस इसी तरीके से एक एक कर लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या, हत्या का प्रयास, फिरौती, अपहरण जैसे तमाम केस दर्ज हो गए। फिर आया साल 2016, जब बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लगा। उसने फेसबुक के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली, मगर लॉरेंस बिश्नोई को पहचान मिली साल 2018 में। दिल्ली पुलिस ने बिश्नोई के साथ साथ जिस संपत नेहरा के खिलाफ चार्जशीट दायर की, वो जून 2008 में बेंगलुरु में पकड़ा गया। संपत वही शख्स था जिसने पूछताछ में खुलासा किया कि वो अभिनेता सलमान खान की हत्या करने वाला था और ये काम उसे लॉरेंस बिश्नोई ने दिया था। ये सनसनीखेज खबर थी और यही से लॉरेंस बिश्नोई के नाम की दहशत और ज्यादा बढ़ गई। कहते हैं लॉरेंस एक पेशेवर अपराधी की तरह हर एक कदम सोच समझ कर उठाता है। पूरी योजना बनाकर वो बड़े बड़े गैंगस्टरों से हाथ मिलाकर अपना नेटवर्क खड़ा कर चुका है। लॉरेंस ने दिल्ली NCR में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कुख्यात काला जठेड़ी और संपत नेहरा जैसे गैंग से हाथ मिलाया। राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल को अपना साथी बनाया और मुठभेड़ में उसकी मौत के बाद उसके गिरोह का चीफ बन गया। पंजाब में अपना साम्राज्य मजबूत करने के लिए उसने कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के साथ गठजोड़ किया। जग्गू भगवानपुरिया ही वो शख्स है जिससे लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध के गुर सीखे। मतलब जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस बिश्नोई के अपराध की दुनिया का गुरु है। वहीं अब खौफ का दूसरा नाम बन चुका जेल में कैद लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड की तरफ निगाहें गड़ाए हुए हैं।